नाम लेक न्यूज में हम फिर हाजिर हैं उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खास खबरों के साथ। शामली में गोवंश महिला समिति के द्वारा मनाया गया गोपाष्टमी का महापर्व, जिसमें महिला शक्ति ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आसपास के गांव से आए काफी श्रद्धालुओं ने भी इस प्रोग्राम में भाग लिया। साथ में सीडीओ शामली और विजेंद्र भड़ाना सीओ और शामली के चेयरमैन प्रत्याशी प्रतीक अग्रवाल भी मौजूद रहे और भी कई विभागों से आए अधिकारी इस प्रोग्राम में मौजूद रही। सीओ ने बताया कि महिला मुक्ति शुरू से ही एक सर्वोपरि रही है। उन्होंने बताया कि आज गोपाष्टमी के पर्व पर यहां आकर मुझे बहुत खुशी मिल रही है और मैं महिला शक्ति का सम्मान करता हूं। गौशाला चला रही दिनेश कुमार का कहना है कि यहां पर गोवंश की देखभाल बहुत ही अच्छे से की जाती है। साथ ही इस प्रोग्राम में इनर ऑफ क्लब शामली ग्रुप भी शामिल रहे, जिन्होंने बताया कि मैं अपना एनजीओ काफी सालों से चला रही हूं और महिला शक्ति को एकत्र कर सभी पीड़ित महिलाओं को और बच्चों को सेवा करती हूं। इस प्रोग्राम को बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। माता की पूजा की गई, गाय को चारा खिलाया गया, प्रसाद भी खिलाया गया और उनको पुष्पमाला पहना कर उनका आशीर्वाद लिया गया। आप लोग गजाला जी का सम्मान हो रहा है और ये बड़े ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि सम्मान एक तालियां बजाइएगा आप, ताली में कंजूसी न करें, क्योंकि जितनी तेज मेरी आवाज है उतनी तेज आपकी ताली होनी चाहिए, तभी आनंद आएगा। बहुत मान जोरदार तालियों के बीच। उसके बाद रत्न एकता ट्रस्ट द्वारा गौ सेवा कार्य के लिए सप्रेम भेंट श्रीमती पूजा बंसल जी को। ये जो गोवंश सेवा समिति महिला का जो आयोजन यहाँ पर किया गया है, आज इस पर्व के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? गौ और गौवंश हमारे लिए सदा से ही पूजने लिए रहे हैं। पहले गौवंशों का इस्तेमाल खेती बाड़ी में हुआ करता था, उसके बाद से इनकी अवेलना शुरू हुई और जब हमारी भाजपा सरकार आई तो हमारे मुख्यमंत्री योगी जी ने गौवंश के लिए गौशाला तैयार किया है। इनके संरक्षण के लिए पैसा भी आवंटित होता है और जन समाज जो है हमारा बहुत ही इसमें बढ़ चढ़ कर भाग ले रहा है और प्रत्येक गौवंश के संरक्षण के लिए सभी लोग बढ़ के आगे आ रहे हैं। गौ की सेवा करते हैं, गौवंश की सेवा करते हैं, गौवंश रहेंगे तभी गौ रहेंगी। तो हमारे देश में जो जागरूकता का अभियान चला है, ये ऐसा बना रहे और ऐसी गौवंश की सेवा होती रहे, यही मेरी शुभकामनाएं। धन्यवाद। गौवंश सेवा महिला समिति के माध्यम से जो आज प्रोग्राम हुआ है, आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो ये बताना चाहूँगी कि मेरा फर्स्ट फंक्शन है जो मैंने अटेंड किया है। इतनी इनकी बोल देने के बाद भी कि फर्स्ट है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि व्यवस्था काफ़ी बहुत अच्छी है। जिस तरीके से यहाँ पे गाय की केयरिंग केयर की जा रही है, जिस हिसाब से, तो वाकई में काबिले तारीफ है। महिलाओं के बाकी हमारे जो विभाग है महिला कल्याण विभाग से रिलेटेड हम लोग काम करते हैं और उसी से के उसमें विभाग में हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो महिलाओं से रिलेटेड जो हमारे पास जितने भी महिलाएं हैं, जैसे बोलते हैं निराश्रित महिलाएं हैं और उसके साथ तो उनके बच्चे हैं, तो उनके यहाँ उनके लिए हमारे यहाँ पर बाल सेवा योजना वगैरह चलाई जाती हैं। उनसे जो भी है, मैं क्या बोलूँ इससे ज़्यादा, तो मैं इस प्रोग्राम में आज बहुत ही महिला शक्ति एकत्र हुई है, आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रतन एकता ट्रस्ट की तरफ से जो गोवंश के संबंधित जो प्रोग्राम रखा गया है, हम इनके सदा आभारी रहेंगे। प्रोग्राम हमारे लिए बहुत अच्छा महसूस लगवा है, मैं इस प्रोग्राम में आकर, और हम महिला कल्याण विभाग की ओर से कार्य करते हैं। महिला कल्याण विभाग में सरकार द्वारा विभिन्न योजनाओं का संचालन किया जा रहा है, जैसे बाल सेवा योजना और निराश्रित महिलाओं के लिए विधवा पेंशन योजना और मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना। तो मैं चाहती हूँ कि सभी लोग इन योजनाओं का लाभ उठाएं। और इसमें मैंने अपने कार्यकाल में लगभग 2 वर्ष होने को है मेरे कार्यकाल को, इसमें मैंने 13 किशोरियों और 2 किशोर का पुनर्वास भी कराया है और घर में जा जा करके उनके स्थलीय जांच भी की है बच्चों कि कितना प्रोग्रेस कर रही हैं, कितना नहीं कर रही हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ऐसे जो बाल सेवा योजना भी है हमारे इस तरह से, उसमें कुछ बच्चे। आपका नाम? गोवंश सेवा महिला समिति का आज जो प्रोग्राम यहाँ पर गोपाष्टमी में किया गया है, बहुत ही यहाँ पर महिला शक्ति एकत्र हुई है, आपने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है, आप क्या कहना चाहेंगे?
गोवंश सेवा समिति में आके मुझे बहुत अच्छा लगा। बाकी मैं इन सबसे पहले से ही परिचित हूँ, ये सब मेरी फ्रेंड है, हम सब मिलके ही समाज में काम करते हैं। लेकिन वो ये है कि एक इंसान हर जगह नहीं कर सकता, इसलिए अलग अलग अध्यक्ष अलग अलग संस्थाएं बनाई हुई हैं, वैसे हम सब एक हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा मैं ये कहना चाहूँगी कि महिला जिस पर दोहरीकरण की जिम्मेवारी है, घर और परिवार, उन दोनों को सामने से बैठाते हुए वह समाज की सेवा करती है, इससे ज़्यादा अच्छा मैं नहीं समझती। क्योंकि पुरुष तो देखो, एक तो ये है कि व्हीकल उन्हें चलाना आता है, फौरन पहुँच जाते हैं, लेकिन हम लेडीज़ थोड़ी सी इस चीज़ में असमर्थ होती हैं, फिर भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती हैं और तन मन धन, इन मैं तो यही चाहती हूँ तन मन धन तीनों चीज़ों से सेवा करूँ और पुरुषार्थ करूँ। आज गोपा अष्टमी के पावन पर्व पर गोवंश सेवा महिला समिति ने जो बहुत ही सुंदर प्रोग्राम यहाँ पर किया है, आप भी इसमें सहयोगी रहे हैं, आप अपने नेतृत्व में क्या कहना चाहेंगे और सभी महिला शक्ति के नेतृत्व में क्या कहना चाहेंगे? रतन एकता ट्रस्ट द्वारा मुझे निमंत्रण दिया गया पूजा जी और दिनेश जी द्वारा, और मैं इस कार्यक्रम में आया। इस गौशाला में तो मैं पहली बार ही आया हूँ जी। अच्छा लगा देख के कि हाँ इतने गोवंश हैं, उनकी सेवा की जा रही है, और भी सुधारी कुछ आवश्यकता है यहाँ पे, उन पर भी हम लोगों ने विचार किया है दिनेश जी के साथ में कि उसमें आगे क्या कह सकता है इनके, जिससे कि यहाँ पे स्वस्थ भी रहे, क्योंकि अभी कुछ जो यहाँ पे गोवंश हैं वो अस्वस्थ हैं, उनको चोट लगी हुई है, जो बाहर से अतिथि मेल लाए गए हैं बताया गया मुझे, उनके उपचार के लिए जो भी अच्छी व्यवस्था हो सकती हो वो करना है, साफ सफाई की व्यवस्था और बेहतर करेंगे इस चीज़ को, ऐसे प्रयास रहेंगे। और गोपाष्टमी का पर्व तो आपको पता ही है, हिंदुओं के लिए बहुत पावन पर्व है, क्यों मनाया जाता है मेरे ख्याल से इसकी जानकारी भी सभी को होनी चाहिए कि आज के दिन भगवान इंद्र ने हार मानी थी श्री कृष्ण से और ब्रजवासी से, इसलिए इसको मनाया जाता है। तो हिंदू संस्कार में मेरा कहना यह है कि जब तक परिवार में संस्कार जीवित हैं तब तक हिंदुस्तान जीवित है। अगर आपको हिंदुस्तान को जीवित रखना है तो परिवार में संस्कार को जीवित रखना पड़ेगा जी। ये आप रख सकते हैं तो बेहतर है, अदरवाइज तो फिर कुछ कह नहीं सकते किसी के बारे में, कौन कहाँ जाएगा, पतन निश्चित है। महिला शक्ति बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और महिलाओं के लिए काफ़ी बेहतर कार्य कर रहे हैं, क्या आप भी कुछ कहना चाहेंगे महिलाओं के बारे में? देखो मुझसे अब तक जो लोग मिले हैं जी, उनके कार्य को देख के लगता है वाकई में वो लोग दिल से काम कर रहे हैं, और दिल से काम हम करते हैं, थोड़ा करें ज़्यादा उससे फर्क नहीं पड़ता, मतलब होता है काम अच्छे से हुआ जी। मैं अभी कुछ मीटिंग्स में गया हूँ, रतन एकता ट्रस्ट की जो मीटिंग होती हैं जो डोमेस्टिक वायलेंस से संबंधित होती हैं, पारिवारिक हिंसा से संबंधित होते हैं केस, जिसमें और किसी तरह के हैं जिनकी वजह से घर में विवाद चल रहे हैं, तो मैंने वहाँ जो पूजा जी का काम करने का ढंग देखा, मैं उससे प्रभावित हुआ कि वाकई में जो काम हम ऐच्छिक ब्यूरो के द्वारा कर रहे थे इतने साल से लगातार करते आ रहे थे, और वो कार्य ये अपने ट्रस्ट के द्वारा एनजीओ के द्वारा कर रही हैं और इतने अच्छे तरीके से कर रही हैं, दिनेश जी का उसमें सहयोग रहता है साथ में, और ये हर बार किसी न किसी भी समाज सेवी को या किसी अधिकारी को, वकील को या किसी भी शहर से मौजूद व्यक्ति को बुलाते हैं, और इसलिए उस जिससे कि अलग अलग लोगों का वहाँ पे आना जाना लगा रहे और सबको उस बारे पता चले और वो अपना सहयोग भी उस कार्यक्रम में दे। धन्यवाद। तो जिस सेवा से काम कर रहे हैं मैं समझता हूँ बहुत बेहतर जाएंगे, बहुत अच्छा कार्यक्रम। धन्यवाद सर। गोवंश सेवा महिला समिति में आज बहुत बड़ा प्रोग्राम का आयोजन किया गया, महिला शक्ति भी यहाँ पर एकत्र रही है, सर क्या कहना चाहेंगे? देखिए हमारे हिंदू सनातन धर्म में गौ माता का विशेष स्थान है, आपने पढ़ा भी होगा वेदों में इसका बहुत उल्लेख है कि तमाम देवी देवताओं का निवास गौ माता में है जी। और गौ सेवा से बड़ा हमारे हिंदू धर्म में कोई सेवा नहीं है। मैं इसके लिए अपनी जितनी मातृशक्ति है, माताएं बहनें हैं, जो गौ सेवा महिला समिति के द्वारा आज ये आयोजन किया गया है, मैं इन सभी को अपने पुलिस विभाग की तरफ से बहुत बहुत इनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ कि इन्होंने आज गोपाष्टमी के शुभ अवसर पर, जिसका आज बहुत महत्व है हमारे हिंदू संस्कृति में, उस पर ये आयोजन किया है। इसके लिए ये तमाम महिला शक्ति, इसके लिए बहुत बहुत इनको शुभकामनाएं हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। गौ सेवा से बड़ी कोई सेवा नहीं है। गौ माता पे हाथ फेरने से ही हमारे तमाम स्ट्रेस, तमाम तनाव दूर हो जाते हैं। तो गाय का स्थान बहुत इम्पोर्टेंट है मानव जीवन में। गौ सेवा करने से आपके तमाम कष्टों को गौ माता खुद हर लेती है। जिला शामली का अवसर पर मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। जिला शामली में यहाँ पर जो है महिला शक्ति बहुत बढ़ चढ़ कर पुलिस प्रशासन के साथ भी हिस्सा ले रही है और पीड़ित महिलाओं का साथ दे रही है, क्या महिला मोर्चा निकालती हैं कभी? महिला शक्ति के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे? देखिए महिला शक्ति हमेशा सर्वोपरि रही है, हमारे समाज में विशेष स्थान है, और मैं इनको बधाई दूंगा कि हमारे समाज में महिला शक्ति, मातृशक्ति
आगे बढ़ चढ़कर जो सामाजिक कार्यों में हिस्सा ले रही है उसके लिए भी मैं इनको साधुवाद दूंगा, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा, मैं बहुत बधाई भी दूंगा। धन्यवाद। जी मैडम, आपका नाम? मैं गजाला त्यागी। आज गोपाष्टमी के उपलक्ष में जो यहाँ पर गोवंश सेवा महिला समिति ने प्रोग्राम किया है, आप इसके नेतृत्व में क्या कहना चाहेंगे? महिला समिति ने जो आज यहाँ प्रोग्राम रखा है वो बेहद ही खूबसूरत ही बोलूँगी, काफ़ी अच्छा महसूस हुआ यहाँ के। इससे पहले भी मैं यहाँ पे आ चुकी हूँ और जो पूजा पांचाल जी हैं वो गायों, ये गोवंश से संबंधित ही नहीं महिलाओं से संबंधित भी जिले में काफ़ी अच्छा कार्य कर रही हैं, क्योंकि मैं महिला कल्याण विभाग से हूँ। महिलाओं से संबंधित जो भी केसेस आते हैं वो अगर कोई उनको फील्ड में या शामली में कोई भी महिला या बालिका पीड़ित मिलती है तो वो तुरंत के तुरंत मुझे संपर्क करती हैं और जो भी हेल्प होती है महिलाओं की या बच्चों की तो वो उसे हम सुविधाएं जो उपलब्ध हम कराते हैं। तो मैं महिला कल्याण विभाग की तरफ से ये संदेश देना चाहूँगी या एक तरह से अवेयरनेस ही मतलब कहना चाहूँगी कि जो भी महिलाएं और बालिकाएं पीड़ित हैं डिस्ट्रिक्ट में या फिर उनसे आसपास जो महिलाएं हैं जो जागरूक हैं वो अपनी आसपास की महिलाओं को जागरूक करें। महिला हेल्पलाइन है जो कि पूरे देश में महिलाओं से संबंधित चलाया जा रहा है, महिला हेल्पलाइन नंबर 181। अगर कोई भी महिला या बालिका कोई भी हिंसा से पीड़ित है वो उस नंबर पर संपर्क कर सकती हैं। अगर कोई टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से शामली जिले से नहीं लग रहा है नंबर तो हमारे CUG नंबर पर भी वो संपर्क कर सकती हैं। हमारा CUG नंबर है 94121023 जो 24 घंटे सक्रिय है और वहाँ की टीम 24 घंटे महिलाओं और बच्चों के लिए काम कर रहा है। थैंक यू। वही बहुत है जी मैडम, आप महिला शक्ति के बारे में आप अपनी तरफ से क्या कहना चाहेंगे? हाँ वही बहुत है। महिला शक्ति के बारे में पहले से NGO 92 से मैंने ज्वाइन किया है, इनर व्हील क्लब रोटरी की ब्रांच है। हम महिलाओं और बच्चियों के लिए ही काम करते हैं, गर्ल्स अपलिफ्टमेंट और वुमेन वेलफेयर के लिए। और इसके बाद जब 2011 में जनपद बना है तब से मैं ऐच्छिक ब्यूरो की परिवार परामर्श केंद्र उसके फाउंडर मेंबर हूँ। किशोर पुलिस इकाई संगठन में भी मैं एक्टिव सदस्य हूँ। इसमें हम जो हमारा ऐच्छिक ब्यूरो है आज तक हम 4,000 से 5,000 परिवार तक मिलवा चुके हैं। हमें बड़ा सुकून मिलता है जब आपस में एक दूसरे परिवार मिलते हैं तो बहुत ही अच्छा लगता है। हमें लगता है हमने कहीं ना कहीं कुछ एक अच्छी सफलता हासिल की है, किसी के घर में दिया चले और रोशनी हो, अच्छा लगता है। और उसके बाद से अभी 4-5 साल से पूजा पांचाल जी का मेरे से जुड़ाव हुआ है। ये दिल्ली में आई, इन्होंने मुझे FB पे ढूंढा और मेरे घर आई और मुझे इनके व्यूज़ भी जितनी एज के अकॉर्डिंग बहुत ज़्यादा माइंड रखती हैं और अच्छा वर्क कर रही है महिलाओं के लिए और हमेशा टाइम टू टाइम मेरे से शेयर भी करती रहती हैं बातें और बताती भी हैं वैसे भी। और कोई भी प्रोग्राम होता है बहुत बुलाती हैं।